गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टडीज में रिक्रूटमेंट तक पढ़ लिया था। रिक्रूटमेंट में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने देखा था एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट की, यानी कि वो रिक्रूटमेंट के वो सोर्स जो फैक्ट्री गेट के बाहर से आते हैं हमारे पास। इंटरनल सोर्सेज का मतलब फैक्ट्री गेट के अंदर से, जिनमें हमने प्रमोशन और डिमोशन पढ़ा था, प्रमोशन और ट्रांसफर पढ़ा था, ठीक है। डिमोशन नहीं है, ये नेगेटिव अप्रोच है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। इसके बाद हमने एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़े थे, जिसमें कि हमने एडवर्टाइजमेंट, कैजुअल कॉलर्स, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस सेलेक्शन, ये बहुत सारे, या कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, या रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, हमने बहुत सारे मेथड्स इसमें सीख लिए थे। तो आइए एक नज़र में हम देखते हैं कि इसके एक्सटर्नल सोर्सेज के फायदे क्या हैं, क्यों कंपनीज इंटरनल के मुकाबले एक्सटर्नल सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं, और क्यों एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स क्वालिफाइड पर्सोनल्स। फायदे देखिए क्या क्या है। नंबर वन, हमको क्वालिफाइड एम्प्लॉइज मिल जाते हैं बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्योंकि हम बाहर से सिलेक्शन करते हैं, तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती हैं, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए नए लोग अप्लाई करते हैं जो न्यू बेसिक नॉलेज दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो हमको नए क्वालिफाइड पर्सनल, एनर्जेटिक पर्सनल्स, हमको पर्सनल्स मिल जाते हैं। पर्सनल का मतलब आप जानते हैं एम्प्लॉइज, ये वो पर्सनल नहीं है, PERSONNEL, पर्सनल, यानी क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हमको यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सबसे अच्छा एक बेनिफिट है, वाइडर चॉइस। क्योंकि इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास में चॉइस नहीं होती, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, जैसे भी हैं, हमें उन्हीं को अपॉइंट करना होता है, लेकिन वहां चॉइस नहीं है। अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास में वाइड चॉइस है, आप एप्लीकेशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट दीजिए, जैसे एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो बहुत सारी भीड़, पब्लिक अप्लाई करेगी, जिसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। देखिए इसमें दिया है, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइडली, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई, द मैनेजमेंट हैज ए वाइडर चॉइस व्हाइल सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो मैनेजमेंट के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके पास में वाइड चॉइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बेनिफिट देखिए, फ्रेश टैलेंट। हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला टैलेंट हमको मिल जाता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानता है। देखिए इसमें दिया है, द प्रेजेंट एम्प्लॉई मे बी इनसफिशियंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब्स टू द फील्ड। अभी जैसे नए जमाने में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो लेथार्जिक हैं, नॉर्मली होते हैं, कि उन्हें मालूम है टाइम बाउंड प्रमोशन या प्रमोशन हो जाएगा। तो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करने के लिए फ्रेश टैलेंट की जरूरत होगी, और ये कहाँ से मिलेगा हमको, एक्सटर्नल सोर्सेज से ही मिलेगा। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। चाहे वो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग क्यों ना हो, लेकिन हमको एक अच्छा फ्रेश टैलेंट मिल जाएगा जो नई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसे नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। स्टूडेंट्स, जो नया टैलेंट आता है उसमें हमेशा आगे बढ़ने की चाह होती है, तो उसमें कंपटीशन की फीलिंग होती है, उसमें स्पिरिट होती है कंपटीशन की, वो कंपटीशन करके आगे निकलने की कोशिश करता है, और उससे वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखारता है, ट्रेनिंग्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, यानी वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करता है, और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको होता है, फर्म को ही होता है। तो देखिए ये कुछ फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जो हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि एक्सटर्नल सोर्सेज में कमियां क्या क्या हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, जहां कोई भी परफेक्शन तो कुछ है नहीं, तो जहां बेनिफिट्स हैं वहां लिमिटेशंस भी होती हैं। देखते हैं
नंबर वन, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बाहर से एम्प्लॉइज लिए जाएंगे तो उनके प्रमोशन का चांस खत्म हो जाएगा, तो उन्हें हमेशा ये रहता है कि उनके हमारे चांस खत्म हो रहे हैं, हमको प्रमोट नहीं करेंगे, तो उनमें डिससेटिस्फेक्शन ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं रहता और डिस्प्यूट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है इसमें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस। उनको लगता है कि उनके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो घट गए हैं, कम हो गए हैं। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथी प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत लेंथी होता है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट निकालना, पहले तो वैकेंसी पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। वैकेंसी पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ टाइम दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। फिर सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इसकी थोड़ी सी कमी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉइज चाहती है तो उसको फिर भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कराना, उनके एप्लीकेशंस को लेना, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन टेस्ट करना, इन सब चीज़ों में पैसे तो लगते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें पैसे का भी खर्चा होता है। तो ये एक इसमें छोटी सी कमी है, लेकिन बावजूद इन छोटी छोटी कमियों के, जैसे कॉस्टली प्रोसेस हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हुआ या लेंथी प्रोसेस हुआ, उसके बावजूद भी एक्सटर्नल सोर्स एक भरोसेमंद सोर्स है, जिसमें कि क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फर्म्स हैं जो ज़्यादातर अपने एम्प्लॉइज को एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ही अपॉइंट करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपने एक्सटर्नल सोर्सेस को समझ लिया, तो इस तरह से आपका जो रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।